जिला एवं मुक्त कारागार में हालांकि बेकरी प्रोडक्ट्स पहले से ही बनाए जा रहे थे, लेकिन अब जेल में चल रही बेकरी में लजीज पिज्ज़ा भी उपलब्ध है। जेल बेकरी में बन रहे पिज्ज़ा का रेट बाजार से कम होने के चलते ये पिज्ज़ा ग्राहकों को खास लुभा रहा है। वहीं जेल बेकरी में बाजार से सस्ते केक भी शहरवासियों के लिए उपलब्ध हैं। जेल बेकरी में बन रहे प्रोडक्ट्स के रेट बाजार से कम होने के चलते ये प्रोडक्ट हाथों हाथ बिक रहे हैं। हालांकि जिला कारागार में कैदी पहले भी बेकरी प्रोडक्ट बना रहे थे, अब गुडरिक कंपनी की ओर से कैदियों को पिज्ज़ा बनाने का भी प्रशिक्षण दिया गया है। प्रशिक्षण के बाद ही कैदियों ने लजीज पिज्ज़ा बनाना शुरू कर दिया है। कैदियों द्वारा बनाए जा रहे पिज्ज़ा की बिक्री भी जिला एवं मुक्त कारागार के बाहर बने स्टॉल पर शुरू कर दी है। जिला कारागार के सामने से गुजरने वाले कॉलेज स्टूडेंटों में कैदियों के हाथों का बना हुआ पिज्ज़ा पहली पसंद बना हुआ है। गौरतलब है कि जिला कारागार प्रशासन द्वारा कैदियों को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से विभिन्न प्रशिक्षण शिविर लगाए जा रहे हैं, जिसमें बेकरी का प्रशिक्षण भी शामिल है। जिला कारागार की बेकरी में पैटी, पेस्ट्री, ब्रेड भी बनाए जा रहे हैं। बेकरी में बनाए जा रहे प्रोडक्ट्स को कैदियों द्वारा ही बेचा भी जा रहा है, इससे जहां कैदी जेल में रहकर भी कमाई कर रहे हैं, वहीं शहरवासियों को लजीज बेकरी सामग्री खाने को उपलब्ध हो रही है। स्थान है गुडरिच कार्बोहाइड्रेट करके, हम लगभग पूरे हिमाचल को यहाँ रॉ मटेरियल सप्लाई करते हैं। तो जैसे ही हमें आपके जेल के यहाँ से पता चला कि यहाँ जो प्रिजनर हैं उनको एंटरप्रेन्योर होने के लिए कुछ सिखाया जाता है, तो हमारी कंपनी की तरफ से जो भी हेल्प हो रही है हम यहाँ सिखा रहे हैं, जिसमें केक पेस्ट्री है, स्नैक्स हैं, पिज़्ज़ा चीज़ है, इस तरह की आइटम हम जो भी प्रिजनर हमारे से सीखना चाहे वो हम सिखा सकते हैं। क्या ये आपका पहला अफसर है जो आप यहाँ पे? हाँ, इस तरह का प्रिजन में, कारावास में पहला ही अफसर है। बाहर तो हम जब कई जगह अपने स्टॉल वगैरह लगाते हैं। कितने लोग सिखा रहे हैं अभी? हम दो आदमी हैं सर। तो कितने लोगों को सिखाया कि यहाँ पे? यहाँ पे तीन आदमी हैं सर इनके जो सीख रहे हैं। जिला कारागार धर्मशाला के डिप्टी सुप्रिटेंडेंट विनोद चंब्याल ने बताया कि कैदी यहां पर हर प्रकार के प्रशिक्षण के प्रति रुचि दिखा रहे हैं। इसी के चलते गुडरिक कंपनी के प्रतिनिधियों को यहां कैदियों को प्रशिक्षित करने के लिए बुलाया गया है। उन्होंने बताया कि कंपनी के सहयोग से अब कैदी जेल की बेकरी में पिज्ज़ा व केक भी बना रहे हैं, जिसकी बाजारों में काफ़ी मांग है। हमारे यहाँ काफ़ी दिनों से, लगभग 2015 से हम बेकरी प्रोडक्ट्स बना रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या होता है कि जैसे हमने पहले भी ट्रेनिंग दिया था, लेकिन वो लोग छूटते रहते हैं, तो इस कारण हमें लगा कि थोड़ा सा इसमें सुधार करने की ज़रूरत है। और इस तरह से गुडरिच कंपनी जो है, जो हमें रॉ मटेरियल यहाँ पर सप्लाई करती थी, हमने इनको कांटेक्ट करा कि भाई आप अगर ये ट्रेनिंग भी करा सकते हो, जिससे कि हमारे जो लोग हैं वो ज़्यादा स्किलफुल बने। तो इन्होंने उस चीज़ के लिए हाँ कर दी, और इसी का परिणाम है कि आज ये जो कोर्स है इनकी तरफ से यहाँ पर कराया जा रहा है, ताकि जो हमारे प्रिजनर हैं वो उनका अच्छे से वो इसको सीख सकें और एक्सपर्टीज उनका इसमें हो सके। तो क्या इसका क्या लाभ देखते हैं, कैदियों को किस प्रकार से इसमें जो है आपको सहायता मिलेगी कैदियों? नहीं, देखो कि प्रिजन का जो सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव है वो यही है कि जिन लोगों से गलती हुई है, और जब भी गलती होती तो गलती का जो सबसे मेजर कारण इकोनॉमिकली जो लोग वीक होते हैं, तो वो भी कारण होता है क्राइम इंडल्ज होने का। तो जेल का ये जिम्मेदारी है कि लोगों को प्रॉपरली तैयार करे, ताकि वो सोसाइटी में रीइंटीग्रेट हो सकें। तो उसी का जो ऑब्जेक्टिव है इस इंस्टीट्यूशन का, उसको अचीव करने के लिए हम इस तरह के कोर्सेज जो हैं यहाँ पर कराते हैं, और मैक्सिमम लोगों को कोई ना कोई स्किल इम्पार्ट करते हैं, ताकि जब वो छूट करके यहाँ से जाएँ तो वो अपने लिए एक रोजगार का साधन जुटा सकें, और वो सोसाइटी के लिए एक अच्छा इंसान बने, और ऑब्जेक्टिव है इस इंस्टीट्यूशन का वो हम अचीव कर सकते। कितने प्रिजनर है सर जो ये प्रशिक्षण ले रहे हैं? अभी तो हम फिलहाल तीन लोगों को प्रशिक्षित कर रहे हैं, पर यहाँ पर क्या रहता है कि अगर वो उनका एक्सपर्टीज हो जाएगा तो वो फिर आगे दूसरे लोगों को ट्रेन करते जाते हैं, और एक चेन चलती रहती है।